आंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में एक आदिवासी महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। अपने हाथों से स्वयं प्रधानमंत्री महोदय। ये दो तस्वीरें आज की सबसे चर्चित तस्वीर है। इन दोनों का एक दूसरे से वैसे तो कोई मेल नहीं है, लेकिन गौर से समझेंगे तो मेल भी समझ में आएगा और यहाँ एक साथ दिखाने का मतलब भी। पहली तस्वीर जो चप्पल वाली आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर की है। प्रधानमंत्री मोदी आज अंबेडकर जयंती के मौके पर यहाँ कई योजनाओं का शुभारंभ करने पहुँचे थे। मंच पर ही उन्होंने आदिवासी महिला को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। अपने हाथों से स्वयं प्रधानमंत्री महोदय उनको चरण पादुका पहना रहे हैं। एक मान सम्मान उस माँ का, उस स्त्री का, जो इस देश के, इस प्रदेश के, इस क्षेत्र की धरा का एक वो प्रतीक है जो हम सब के लिए, जिसके समक्ष हम सभी नतमस्तक हैं। असल में राज्य में तेंदू पत्ता बीने वाली आदिवासी महिलाओं को चप्पलें दी जानी है ताकि वो जंगलों में कील कंकड़ से खुद को बचा सके। इस योजना को चरण पादुका योजना नाम दिया गया है। अब एक बार फिर इन दो तस्वीरों के पास लौटिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मंडला में ये बाघिन सैलानियों से घिरे अपने बच्चे की रक्षा के लिए रोड पर आकर खड़ी हो गई, उसी तरह से मंडला के इस जंगल से 500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पीएम मोदी भी देश को ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें अपने लोगों का ख्याल रखना आता है। ये वीडियो अपने आप में करोड़ों शब्दों की कहानी बयां कर रहा है। आदिवासी महिला को चप्पल पहनाने के बाद मोदी मंच पर ये बताना नहीं भूले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से ही वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचे हैं। एक गरीब माँ का बेटा, अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। मोदी ने यहाँ उन सुरक्षा कर्मियों को भी सलाम किया जो न सिर्फ यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। वोट के लिए हर नेता को आंबेडकर याद आ रहे हैं। देश में दलित वोटर 21% हैं और इस वोट के बिना 2019 की राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए हर किसी को लगता है कि आंबेडकर का नाम लेने से उनकी झोली में वोटों की बारिश होगी। आंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी बीजापुर में थे तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र की उपाधि दी गई। तो आंबेडकर को याद करने के लिए राहुल गांधी ट्विटर पर दिखे। ट्वीट करते हुए उन्होंने बाबा साहेब को नमन किया और लिखा कि उनके विचार और जीवन संघर्ष हमें समानता, मानवीय सम्मान, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में प्रेरणा देते रहेंगे। दोपहर को मायावती भी मीडिया के कैमरे के सामने आई। कैमरे पर पन्ना पलटते हुए बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और मोदी सरकार को लगे हाथों नसीहत भी। विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थलों को केवल सम्मान देने से वे इनके नाम पर कुछ योजनाएं आदि चलाने से भी उनके अनुयायियों का विकास व उत्थान नहीं हो सकता है। ये तो बात हुई आज के दिन की राजनीति की, लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहेब के नाम पर राजनीति तो हर कोई कर रहा है, लेकिन देश के दलितों का दर्द कौन समझेगा। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर की है। पहली तस्वीर में एक दलित की शादी का वीडियो है जिसकी बारात पुलिस के पहरे में इसलिए निकली क्योंकि दबंग बारात नहीं निकलने दे रहे थे। और दूसरी तस्वीर जिले के वासुदेव गांव की है जहां 25 दलित परिवार 17 साल से जमीन के लिए दबंगों से जंग लड़ रहे हैं। ये दोनों सबसे ताजा कहानी है, इसलिए हम आज आंबेडकर जयंती के मौके पर इसका जिक्र कर रहे हैं। अब आप ये समझिए कि देश 21वीं सदी में जी रहा है और दलितों को दबंग बारात नहीं निकालने दे रहे। आखिर ये कौन से समाज में जी रहे हैं। पीएम मोदी समानता की बात तो करते हैं, लेकिन ये कहानी उसी बीजेपी के राज की है जिसके सर्वेसर्वा मोदी हैं।
तो सवाल ये है कि क्या अंबेडकर जयंती को जस्टिस डे के रूप में मनाने से दलितों का दर्द दूर हो जाएगा, या फिर यूपी के बाद बिहार में बाबा साहेब के नाम में राम जोड़ देने भर से दलितों की जिंदगी में राम राज्य आ जाएगा? सोचिए और इसका जवाब तलाशिए। विश्व हिंदू परिषद और प्रवीण तोगड़िया, ये दो नाम एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं, लेकिन मोदी से दुश्मनी महंगी पड़ी और आज वीएचपी से तोगड़िया युग का अंत हो गया। अब तोगड़िया हिंदू हित का नारा देकर अनशन करने वाले हैं। जब तक अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता है, राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे। राम मंदिर और हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद के मंच से हुंकार भरने वाला ये चेहरा अब इस मंच पर दोबारा नहीं दिखेगा, क्योंकि आज तोगड़िया को तगड़ा झटका लगा है। मैं विश्व हिंदू परिषद में था, मैं आज नहीं हूँ। वीएचपी के 52 साल के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ, या यूं कहें 32 साल के तोगड़िया युग के अंत के लिए ही चुनाव कराया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में 192 पदाधिकारियों ने वोट डाले और तोगड़िया खेमे के राघव रेड्डी की हार हुई। 80 साल के सदाशिव कोगजे जीत गए। कोगजे जी को 131 मत मिले, 131, और रेड्डी जी को 60 मत मिले। हार जीत के मायने को इस हिसाब से समझिए कि प्रवीण तोगड़िया की राजनीति अब वीएचपी में खत्म है। वो अब तक वीएचपी के कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कोगजे के जीत के बाद अब उनकी कुर्सी चली गई, उनकी जगह आलोक कुमार ने ले ली है, यानी तोगड़िया का रुतबा और ठसक दोनों कम हो गई। मैं हिंदुओं की आवाज जो 32 साल से उठा रहा था, राम मंदिर गौरक्षा कश्मीर हिंदू, यह आवाज उठाने के लिए सत्ता के मदमस्तों ने मुझे विश्व हिंदू परिषद से निकलवाया है। और इन दिनों हिंदुत्व की राजनीति की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, और उन्हीं की नाराजगी का खामियाजा तोगड़िया को भुगतना पड़ा, क्योंकि तोगड़िया लगातार मोदी को निशाने पर लेते रहे थे। और नरेंद्र भाई, राम मंदिर का कानून बनाओ। और शायद इसका इल्म तोगड़िया को पहले ही हो गया था कि कुर्सी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही पोस्टर छपवा रखे थे, बस कैमरे के सामने आकर अनशन का ऐलान कर दिया। 17 अप्रैल से अहमदाबाद में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने जा रहा हूँ। चाणक्य जी ने कहा था कि बड़ा जंग जीतना है तो छोटी हार से गुजरना होता है। बस बड़ी लड़ाई जीतने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज छोटी हार से गुजर रहा है। सीरिया पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया सीरिया पर हमला। राजधानी दमिश्क पर दागी गई 100 से ज्यादा मिसाइलें। सीरिया का दर्जन भर मिसाइलों को मार गिराने का दावा। सीरिया पर हमले से पुतिन और ट्रंप में ठनी। रूस ने दी ट्रंप को अंजाम भुगतने की धमकी। ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ी तो फिर करूंगा हमला। क्या सीरिया में भड़की चिंगारी विश्व युद्ध का रूप ले लेगी? दिल्ली से करीब 3,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर शनिवार सुबह सीरिया पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया गया। इस हमले के बाद दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। ये मिसाइलें झूठी कहां से थी, ये तो टॉप सीक्रेट है, लेकिन इनका निशाना कहां था ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क मिसाइलों के धमाकों से दहल उठी।
दमिश्क के आसमान में मिसाइलें उड़ती नजर आ रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। सीरिया पिछले कई सालों से जंग का मैदान बना हुआ है। एक तरफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जंग चल रही है तो दूसरी ओर सरकार और विद्रोहियों में ठनी हुई है। छोटी बड़ी लड़ाइयां रोज अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, लेकिन आज सुबह सीरिया पर बड़ा हमला किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीरिया पर इतना बड़ा हमला किसने किया, किसने सैकड़ों मिसाइलों का रुख सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सीरिया पर हमला किया है। सीरिया पर 100 से ज्यादा मिसाइलें गिराई गई हैं। कथित रासायनिक और जैविक हथियारों के ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई हैं। मिसाइल हमले में अभी तक 3 लोगों के घायल होने की खबर है। Fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. उधर सीरिया ने हमलों की पुष्टि तो कर दी है, साथ ही एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसने करीब दर्जन भर मिसाइलों को मार गिराया है। वीडियो में सीरिया के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों को आसमान में दूसरी मिसाइलों को गिराते हुए साफ देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया? क्योंकि सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन सहित रूस भी शामिल था। ऐसा क्या हुआ जिससे यह समीकरण बदल गया? ट्रंप ने बताया कि हमला क्यों किया गया। Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons to slaughter innocent civilians, this time in the town of Douma, near the Syrian capital of Damascus. These are not the actions of a man, they are crimes of a monster instead. दरअसल 7 अप्रैल को सीरिया के डोमा शहर में रासायनिक हमला होने की बात सामने आई। राष्ट्रपति बशर पर आरोप लगा कि उन्होंने विद्रोहियों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। दावा किया गया कि रासायनिक हमले की वजह से डोमा शहर में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राष्ट्रपति बशर अल असद ने रासायनिक हमले के आरोपों को गलत और झूठा बताया था। लेकिन अमेरिका के मुताबिक उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। I am confident the Syrian regime conducted a chemical attack on innocent people in this last week. Yes, absolutely confident of it. And we have the intelligence level of confidence that we needed to conduct the attack. आपको बता दें कि अमेरिका ने इराक पर भी इसी रासायनिक और जैविक हथियारों के होने के शक में हमला किया था। इस बार ट्रंप के पास भी हमले की यही वजह थी। डोमा में हुए कथित रासायनिक हमले को दुनिया के लिए खतरा बताकर ट्रंप ने सीरिया पर हमले का आदेश दे दिया। केमिकल वेपन्स आर यूनिकली डेंजरस नॉट ओनली बिकॉज़ दे इन्फ्लिक्ट ग्रूसम सफरिंग बट बिकॉज़ इवन स्मॉल अमाउंट्स कैन अनलीश वाइडस्प्रेड devastation. The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the production, spread and use of chemical weapons. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर मिसाइलों का हमला तो कर दिया, लेकिन इससे दुनिया एक नए खतरे में आ गई है। खतरा है दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के टकराने का।
क्योंकि ट्रंप ने हमले के लिए रूस को भी जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने पलटवार करते हुए कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अपमान करना अस्वीकार्य और अमान्य है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को समझना चाहिए कि हमले का परिणाम युद्ध भी हो सकता है। सीरिया पर अमेरिकी हमले को लेकर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन सत्र बुलाएगा। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि सीरिया पर किया गया हमला अभी के लिए एक ही बार किया गया हमला है, लेकिन अगर रासायनिक हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ तो आगे फिर हमला किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले 7 साल से सीरिया गृह युद्ध में उलझा हुआ है। लाखों सीरियाई नागरिकों को दुनिया के दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ी है। सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो हमला किया है वो कहां किया और उससे क्या हासिल हुआ, आपको ये समझा रही है मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। सीरिया पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जो हमला किया है वो कहां कहां किया और उससे क्या हासिल हुआ, ये अब आपको समझाते हैं। पहला हमला दमिश्क में मौजूद एक रिसर्च सेंटर पर किया गया। अमेरिका का कहना है कि इस रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल रासायनिक और जैविक हथियारों के उत्पादन में हो रहा था। दूसरा हमला होम्स में किया गया, जहां पर जिस ठिकानों को मिसाइलों से तबाह किया गया उसके बारे में अमेरिका का दावा है कि यहां पर रासायनिक हथियार जमा करके रखे गए थे। तीसरा हमला भी होम्स शहर में ही किया गया, यहां पर जिस इमारत को मिसाइलों ने निशाना बनाया उसके लिए अमेरिका का दावा है कि यहां पर रासायनिक हथियारों से जुड़े उपकरणों को बड़े पैमाने पर रखा गया था। आपको यह भी बता देते हैं कि इस वक्त अमेरिका के करीब 2000 जवान सीरिया में मौजूद हैं, वो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वहीं रूस की मौजूदगी सीरिया में है, यहां पर उसके एयरबेस और नेवल बेस मौजूद हैं, करीब 3000 जवान हैं, लड़ाकू विमानों की कई स्क्वाड्रन रूस ने यहां पर तैनात किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की भी तैनाती यहां पर की गई है। सीरिया पर इस हमले के बाद रूस और अमेरिका में ठनी हुई है, लेकिन अपने हमलों में अमेरिका ने रूसी ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सीरिया पर हुआ यह हमला क्यों खतरा बन सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, जो एक शिया मुस्लिम हैं। हालांकि सीरिया सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। राष्ट्रपति असद इस वक्त देश में 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। पहला मोर्चा है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और दूसरा मोर्चा है अपने ही देश के विद्रोहियों के खिलाफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन असद के साथ हैं। असद के साथ शिया मुस्लिम बहुल देश ईरान भी है। वहीं अमेरिका भी सीरिया में 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा उसे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खुला हुआ है, जबकि दूसरा मोर्चा राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ है। सीरिया में अमेरिका का साथ दे रहे हैं सऊदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस। सीरिया भले ही भारत से करीब 3600 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस पर हुए हमले का असर यहां भी पड़ सकता है। कैसे, आपको दिखाते हैं। सीरिया पर अमेरिका ने हमला तो कर दिया, लेकिन इसका असर करीब 3643 किलोमीटर दूर भारत पर भी पड़ेगा। भारत पर इसका कितना और कैसा असर पड़ेगा, ये जानने के लिए पहले सीरिया की भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां पर सीरिया है उसके आसपास के देशों पर भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है। सीरिया के आसपास सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई और कुवैत जैसे देश हैं। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। भारत हर साल औसतन करीब 5,00,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। यानी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो जाहिर तौर पर भारत में भी तेल महंगा हो सकता है। निसंदेह जैसे कि जब ये हमला कल रात में किया गया है उसके बाद त्वरित रूप से एक जो नी जर्क रिएक्शन होता है, एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी और इससे त्वरित रूप से कुछ तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और कुछ दिनों तक सस्टेन रह सकता है। अब चूंकि अमेरिका और रूस दोनों आमने सामने हैं, इसलिए कच्चा तेल भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
क्योंकि रूस भी कच्चे तेल का एक बड़ा उत्पादक है। तनाव बढ़ा और युद्ध की नौबत आई तो दुनिया भर में तेल के दाम भी तेजी आ सकती है। साल भर पहले भी अमेरिका सीरिया पर हमला कर चुका है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें 2% तक बढ़ गई थी। कच्चे तेल की कीमत $55.59 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत अपनी खपत का 80% के करीब तेल मध्य पूर्वी देशों से आयात करता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर भारत पर भी होगा। क्योंकि ये हमला एक सीमित हमला है, एक विशेष पर्पज को ध्यान में रख के किया गया है, केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ ये अटैक किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई बहुत लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से जो अस्थिरता का माहौल है वो भी लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। ये अस्थिरता धीरे धीरे कम होगी और फिर जो मार्केट में जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। भारत की मुश्किल ये है कि मध्य पूर्व का ये इलाका उसके ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है, इसलिए वो सीरियाई संकट का समाधान बातचीत के जरिए ही चाहेगा। हालांकि भारत सीरिया में हुए केमिकल अटैक की निंदा कर चुका है, लेकिन भारत की इसके आगे जाने की संभावना कम है। जानकारों का मानना है कि भारत खामोश रहना ही बेहतर समझेगा। मुझे लगता है कि भारत का रोल एक स्टेबलाइजर के रूप में होगा। एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि विश्व में शांति का माहौल स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, उसके लिए उस लिहाज से भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। हर खबर की लेंगे खबर मास्को स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।